हेलो एंड वेलकम टू आन एकेडमी। क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हो? हेलो अमल कुमार, हेलो मनीषा कुमारी, सचिन कुमार, जय हिंद, गुड इवनिंग अजय, सुमंत, हाय, शिवाजी दास, हेलो। जी हाँ, मैं 2020 में कराऊंगा, 21 में कराऊंगा, 22 में भी कराऊंगा, ठीक है? और कुछ? चलिए जल्दी से लिंक शेयर कर दो, आज वैसे भी लेट हो गए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। लिंक शेयर कर दो जल्दी से। ओके, थैंक यू दिव्या, थैंक यू मनीषा, फातिमा, देवास्मिता, यूनिक ग्रामर, अमल कुमार। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अमल कुमार कह रहे हैं कि स्टार्ट कर दो, तो स्टार्ट कर देते, ठीक है। चलिए, तो आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आप आ चुके हैं आन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है स्पेसिफिकली फॉर द यूपीएससी सीएससी। चार बेनिफिट मिल जाएंगे माय फ्रेंड्स, डाउनलोड कर दो आन एकेडमी ऐप। यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, टुडे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज जो हम पढ़ेंगे 22 सितंबर का करंट अफेयर जो आज हम पढ़ेंगे, उसका कल टेस्ट होगा 4 से 5 बजे PM, 4 to 5 PM आज जो भी पढ़ेंगे उसका कल टेस्ट होगा। कौन आएगा टेस्ट देने? मुझे यस लिखो, यस लिखो। कौन आएगा टेस्ट देने? यस लिखो। शिवाजी दास, डोंट वरी, मैं आपको जवाब दे दूंगा। शिवाजी दास, डोंट वरी, मैं आपको जवाब दे दूंगा। चलो जल्दी से, आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसका कल टेस्ट होगा स्पेशल क्लास में, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसका स्पेशल क्लास में टेस्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। और पीडीएफ दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, उस पर से रिवाइज कर लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना। ऐप पर होगा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, ऐप पर टेस्ट होगा, ऐप पर। ओके, ऐप पर होगा टेस्ट, प्लीज फोकस करो। टेस्ट विल बी ऑन एप्लीकेशन आन एकेडमी ऐप पर, इसीलिए जब ऐप वाला लोगो आया है तभी मैंने कहा है। ओके, चलो, आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसका कल 4 बजे से 5 बजे में टेस्ट होगा, ठीक है, पक्का हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं हूं अमित कटारिया, करंट अफेयर्स और पॉलिटी पढ़ाता हूँ, ठीक है, करंट अफेयर्स और पॉलिटी जो है मैं पढ़ाता हूँ, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा आज के लेक्चर का। लेक्चर में पीडीएफ जो है, लेक्चर में बैठना है, पढ़ना है, पीडीएफ लेना है, रिवाइज करना है, टेस्ट देने आना है, रोज का यही प्रोग्राम। लेक्चर में पढ़ो, पीडीएफ से रिवाइज करो और फिर टेस्ट देने आओ। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कल ढूंढना ना पड़े। कल 4 बजे से लेकर 5 बजे शाम को अनअकैडमी ऐप पर टेस्ट होगा, चलो इसी चीज का टेस्ट होगा। ओके, हाँ, टेलीग्राम चैनल है ना ये भाई, अन एकेडमी अंडरस्कोर अमित कटारिया। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, 1 महीने से लेकर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो माय फ्रेंड। अमित के कोड का इस्तेमाल करना है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अमित के कोड का इस्तेमाल करना है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक। लालू जी, टेलीग्राम चैनल जो है लास्ट में आपको मिल जाएगा, सो डोंट वरी। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, दैट इज अवर फर्स्ट टॉपिक। आर यू रेडी टू स्टडी? चलो, न्यूज में क्यों है, वाई इन द न्यूज? द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजियन, माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू डोंट नो सच काइंड ऑफ मिनिस्ट्री एग्जिस्ट, देन आई वुड लाइक टू टेल यू। एक मिनिस्ट्री होता है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसको डोनर कहेंगे शॉर्ट में। उन्होंने, इस मिनिस्ट्री ने,
लॉन्च किया है लोगो और गाना फेस्टिवल का, किस फेस्टिवल का गाना और लोगो लॉन्च किया गया है? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 नाम का फेस्टिवल होता है, ठीक है माय फ्रेंड, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 नाम का फेस्टिवल होता है, उसका गीत और उसका जो है लोगो लॉन्च किया है डोनर मिनिस्ट्री ने। डोनर मिनिस्ट्री का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजियन, ये ध्यान में रखना। फेस्टिवल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है माय फ्रेंड। जो पूरा इंडिया है, रेस्ट ऑफ द इंडिया है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो इंडिया के लोग नहीं है, चाइना के लोग है, कोरिया के लोग है, वियतनाम के लोग, ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो बाकी का जो इंडिया है उसको नॉर्थ ईस्ट के करीब लाना है, क्लोजर लाना है, इसीलिए ये इवेंट जो कि 4 दिन का होगा माय फ्रेंड, 4 डे इवेंट होगा, 4 डे इवेंट होगा, और इसमें जो है प्रेजेंट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के, प्रेजेंट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट के आर्ट को, क्राफ्ट को, टेक्सटाइल को, इथनिक प्रोडक्ट्स को, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। 8 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के, उनके 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनको उनके प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि टेक्सटाइल, इथनिक प्रोडक्ट, क्राफ्ट, आर्ट, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा इस 4 दिन के इवेंट में, जिसका नाम होगा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जिसको लॉन्च किया है डोनर मिनिस्ट्री ने। ये 8 स्टेट यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, ठीक है, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये ध्यान में रखना। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होने वाला है, ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल वर्चुअली होगा, प्लीज फोकस करो। कोविड-19 की महामारी में कोई फेस्टिवल, कोई उत्सव, त्योहार जो है आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ये वर्चुअली होगा, ठीक है, वर्चुअली। इसका वेन्यू वर्चुअल वेन्यू है और 27th, 28th, 29th और 30th सितंबर 2020 को होगा। 27th of September से लेकर 30th सितंबर 2020 में होगा, और फोकस क्या है, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस, फोकस है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। पिछली बार का जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल था ना, वो वाराणसी में था माय फ्रेंड, वाराणसी में, वाराणसी में पिछली बार का 2019 वाला वाराणसी में था, अब वाला वर्चुअली होगा। डोनर मिनिस्ट्री ने इसका लोगो और गाना लॉन्च किया है, ये भी ध्यान में रखना। टूरिज्म को प्रमोट करना है, एथनिक प्रोडक्ट, क्राफ्ट, टेक्सटाइल, आर्ट को प्रमोट करना है, यहाँ पर 4 दिन का फेस्टिवल होता है, ये ध्यान में रखना है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी खूबियां है जो कहीं और नहीं माय फ्रेंड, नॉर्थ ईस्ट में ऐसी बहुत सारी खूबियां है जो कहीं और नहीं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन है स्ट्रेटेजिक, बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर को जो है छू रहा है, जी हाँ, स्पर्श कर रहा है बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर को, ये ध्यान में रखना। दूसरा, साउथ ईस्ट एशिया का हमारा लिंक है, आसियान के साथ अगर एंगेजमेंट बढ़ानी है तो जो है ये ध्यान में रखना है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो उसका रोल पियोटल है, ये ध्यान में रखना माय फ्रेंड। यू कैन सी द मैप हियर, यहाँ पर जो है आपको म्यांमार मिल जाएगा और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो बांग्लादेश का है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो पिवोटल रोल है एशियान के साथ, अगर हम अपने रिलेशन को घनिष्ठ बनाना चाहते, साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिलेशन घनिष्ठ बनाना चाहते, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको सही में इम्प्लाई करना चाहते, तो फिर जरूरी है नॉर्थ ईस्ट, यहां पर ध्यान में रखना माय फ्रेंड। पूरी भारत के 34% वाटर रिसोर्सेस, पूरे भारत के 34% वाटर रिसोर्सेस अकेले नॉर्थ ईस्ट के पास है, और हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो पूरे भारत का है उसका 40% अकेले नॉर्थ ईस्ट के पास है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल में नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट, ये ध्यान में रखना। टूरिज्म पोटेंशियल जबरदस्त है, कल्चरल सिग्निफिकेंस की आप बात ही मत पूछो, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कोविड इंफेक्शन इन पीवीटीजीज, पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यस माय फ्रेंड, ध्यान में रखना, जो प्रिमिटिव ट्राइबल्स है, बहुत ही पिछड़ी हुई जनजातियां है,
उसमें जो है कोविड-19 का संक्रमण हुआ है, इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उनमें कोविड-19 का संक्रमण देखा गया है। कौन से ट्राइबल ग्रुप? बोंडा एंड डिडिया, बोंडा एंड डिडीस ओडिशा के ट्राइबल ग्रुप है जिसमें कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। ऐसा किसने कहा है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने कहा है कि ये मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। अब आप पूछोगे सर ये सब ठीक है, चलो हमको समझ में आ गया कि बोंडा और डिडियास न्यूज में है, ओडिशा के ट्राइब है, उनको जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, हम सब समझ गए सर, लेकिन ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता क्या है सर? आप ये पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूं कि भाई देखो 1961 में जो है एक ढेबर कमीशन आया था, एक ढेबर कमीशन, ये ध्यान में रखना ठीक है, ढेबर कमीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इस ढेबर कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, ढेबर कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो ग्रुप है जो बहुत ही प्रिमिटिव ट्राइब की जनजातियां है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स है ठीक है। इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी और भी ज्यादा पिछड़े हुए ट्राइब्स है, उनको ढेबर कमीशन ने कहा था 1661 में कि वो पीवीटीजी है, ये ध्यान में रखना ठीक है। यहां तक कि हमारा जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था उसमें जो है ये नाम दिया गया पीवीटीजी, सब कैटेगरी क्रिएट किया गया। आप कहोगे सर ठीक है ढेबर कमीशन ने नाम दिया पीवीटीजी, समझ में आ गया, लेकिन किस ट्राइब को हम पीवीटीजी कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे ये बता दो जरा, तो बड़ी मेहरबानी। मैं कहूंगा ठीक है मेहरबानी कर देते। देखो ये क्राइटेरिया क्या है पीवीटीजी, कोई ट्राइब जो है बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है ये डिक्लेयर करने का क्राइटेरिया क्या है पीवीटीजी डिक्लेयर करने का, मैं बताता हूं कि रिलेटिवली अगर कोई ट्राइबल ग्रुप फिजिकली आइसोलेटेड है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में माय फ्रेंड बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप है कि जो कि कंप्लीटली आइसोलेटेड है, तो अगर आइसोलेटेड है तो उनको जो है जिन के सेंटिनलीज, फॉर एग्जाम्पल सेंटिनलीज जो ट्राइबल ग्रुप है ठीक है, वो अंडमान एंड निकोबार में बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड है तो उनको पीवीटीजी कहेंगे ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो रिलेटिव फिजिकल आइसोलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है उनका तो वो भी पीवीटीजी है। लिटरेसी लेवल बहुत ही लो होना चाहिए, रिटन लैंग्वेज उनके पास नहीं हो, उनके पास ऐसा लैंग्वेज नहीं होना चाहिए कि वो खुद डेवलप किए हो ठीक है, खुद का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए लिखने के लिए, माय फ्रेंड बोलने के लिए हो तो चलेगा, ध्यान में रखना। और एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए, प्री एग्रीकल्चर स्टेज में होने चाहिए, जैसे कि हंटिंग शिकार करने वाले, फूड को पेड़ों पर से जो है गैदर करने वाले, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले, टेरेस कल्टीवेशन करने वाले, इनको ही पीवीटीजी में आप जो है मान्यता दे सकते हो। पूरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने पूरे भारत में से 75 ट्राइब्स को जो है 75 ट्राइब्स को ये मान्यता दी है, ये रिकॉग्निशन दिया है कि वो पीवीटीजी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कैटेगराइज करता है ट्राइब को पीवीटीजी के तौर पर, ये ध्यान में रखना। और पीवीटीजी के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो शुरू करके रखी हुई है। अब आप कहोगे सर ठीक है सब समझ में आ गया, बोंडा और डिडिया में जो है वो पीवीटीजी है और उनको जो है वो हुआ है कोरोना, लेकिन अब बोंडा और डिडिया के बारे में कुछ बता दो, तो मैं कहूंगा ठीक है देख लो भाई ये मेरा ड्यूटी है तो मैं बता रहा हूं। बोंडाज एंड डिडियाज आर फाउंड इन द मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ठीक है, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है माय फ्रेंड, ओडिशा में जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बॉर्डर शेयर करता है आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, वहां पर जो है ये बोंडा और डिडियास रहते हैं, समझ में आ गया, ओडिशा में रहते हैं, लेकिन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो है जो कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है वहां पर जो है ये बोंडाज और डिडियास रहते हैं, सो सिंपल। और ये भी याद रखना कि ये जो बोंडाज है ना
ये माना जाता है कि आज से 60,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे, 60,000 years ago दे केम फ्रॉम द अफ्रीका एंड स्टार्टेड टू लिव इन द ईस्टर्न घाट। ओके, डिडियास की बात करें, डिडियास की बात करें वो ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब है माय फ्रेंड, ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब है, ये ध्यान में रखना, जो बोंडास के बगल में ही रहता है ये भी ध्यान में रखना, और डिडियास की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है ये ध्यान में रखना, तकरीबन 7,250 है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, प्लीज फोकस करो। और नेक्स्ट टॉपिक, अफ्रीकन एलिमेंट एलिफंट जो है वो मारे गए, अफ्रीकन एलिफंट जो है वो मारे गए हैं साइनो बैक्टीरिया की वजह से। सोचो, साइनो बैक्टीरिया की वजह से अफ्रीकन एलिफंट जो है वो मारे गए हैं माय फ्रेंड, ध्यान में रखना। अब आप कहोगे ठीक है सर, अफ्रीकन एलिफंट साइनो बैक्टीरिया की वजह से मारे गए, कहां पर मारे गए? तो ध्यान में रखो, ओकावांगो डेल्टा है, ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना में, वहां पर ओकावांगो डेल्टा है बोत्सवाना में, वहां पर जो है अफ्रीकन एलिफेंट मारे गए हैं साइनो बैक्टीरिया की वजह से। अब मैं आपको क्या क्या बताऊंगा ये पहले बता देता हूं, साइनो बैक्टीरिया क्या है ये मैं बताऊंगा, ये बोत्सवाना कहाँ है ये मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान में रखना, और अफ्रीकन एलिफेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो एक के बाद एक जो है, जैसे प्याज में परतें होती है ना, उस तरीके से हमारे करंट अफेयर के लेक्चर की बहुत सारी परतें होती है जो है स्टेज होते हैं, तो एक के बाद एक खोल देंगे। ठीक है, तो 300 अफ्रीकन एलिफेंट मारे गए, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है फ्रेंड, साइनो बैक्टीरिया की वजह से मारे गए, और साइनो बैक्टीरिया जो है वो एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। फोकस करना, साइनो बैक्टीरिया एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे न्यूरल टिश्यू जो कि दिमाग में होते हैं और चेतातंत्र में होते हैं, हमारे न्यूरल सिस्टम में होते हैं, उस तरह के न्यूरोटॉक्सिन जो है वो हमारे न्यूरल टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनकी फंक्शनिंग को इम्पेयर कर सकते हैं। समझ लो, साइनोबैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन क्रिएट कर रहे हैं, न्यूरोटॉक्सिन क्रिएट कर रहे हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट 300 अफ्रीकन एलिफेंट जो है उनकी वजह से मारे गए हैं। अब साइनो बैक्टीरिया जो है एक किस्म का ब्लू ग्रीन आलगे है माय फ्रेंड, साइनो बैक्टीरिया इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अलगे, ब्लू ग्रीन अलगे ध्यान रखना, एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि नेचुरली सॉइल में और वाटर में मिल जाता है, नेचुरली सॉइल में और वाटर में ये होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन अल्गे, उसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, यही ब्लू ग्रीन अल्गे अर्थात साइनोबैक्टीरिया न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और उनको खाने की वजह से या पीने की वजह से 300 हाथी ओकावांगो डेल्टा रीजन जो कि बोत्सवाना में है वहां पर मारे गए। ध्यान में रखना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्गे, फ्रेश या ब्रैकिश खारे पानी में भी रह सकते हैं, मीठे पानी में भी रह सकते हैं, समुन्द्र में भी रह सकते हैं। ठीक है, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और खुद का फूड वो खुद ही बनाते हैं, कहाँ रहते हैं? गर्मी में न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको फास्फोरस और नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये ध्यान में रखना, तो जहां पर गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी, न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट मिलेगा, फास्फोरस नाइट्रोजन मिलेगा, वहां पर साइनोबैक्टीरिया क्विकली मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, क्विकली, और बहुत ज्यादा टॉक्सिन क्रिएट करेंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और अल्गल ब्लूम के बारे बीच में कुछ रिश्ता है, क्लाइमेट चेंज एंड अल्गल ब्लूम के बीच में कुछ रिश्ता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हैं। ठीक है, अल्गल ब्लूम इज अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अल्गे और साइनोबैक्टीरिया इन एक्वाटिक सिस्टम, क्यों देखते हैं? देखो, क्लाइमेट चेंज की वजह से, सी सी की वजह से अल्गल ब्लूम बढ़ रहा है, अल्गल ब्लूम यानी नथिंग बट साइनो बैक्टीरिया माई फ्रेंड, हियर आई मेक यू क्लियर, वार्मिंग वॉटर टेम्परेचर। ठीक है, जो वॉटर स्टेगनेंट होगा या स्लो मूविंग होगा, फास्ट मूविंग नहीं होगा, स्लो मूविंग वाटर में और वार्म टेम्परेचर में ये बढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन अल्गे जो है वो बढ़ेगी जो न्यूरोटॉक्सिन क्रिएट करती है।
सेलिनिटी में अगर अंतर आएगा, देखो जितना ज्यादा ड्राउट है, जितना बारिश कम होगा, बारिश कम होगा तो फ्रेश वाटर का जो तालाब होगा, मीठे पानी का जो तालाब होगा, उसमें से ज्यादा पानी बाष्पीभवन हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, पानी वेपराइज होगा। लेकिन ड्राउट है, बारिश है नहीं, तो पानी गिरेगा कम तालाब पर और वेपराइज ज्यादा होगा, तो सॉल्ट कंटेंट जो है वो बढ़ेगा और ऐसे लेक में साइनोबैक्टीरिया जो है क्विकली मल्टीप्लाई होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो भी क्विकली मल्टीप्लाई होगा, अल्गल ब्लूम होगा, साइनोबैक्टीरिया फिर बढ़ेगा, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए। रेनफॉल में अगर बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से, तो भी माय फ्रेंड अल्गल ब्लूम बढ़ सकता है, साइनोबैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट 300 मर गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं, मैजिस्टिस जो है बहुत ही जबरदस्त क्रिएचर, लार्जेस्ट एनिमल वॉकिंग ऑन द अर्थ है अफ्रीकन एलिफेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अफ्रीका के 37 कंट्रीज में वो है, और IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से रेड लिस्ट में है, वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, ये ध्यान में रखना। उनकी अफ्रीकन एलिफेंट की दो स्पीसीज है, सवाना स्पीसीज और है फॉरेस्ट स्पीसीज। पहले सवाना स्पीसीज की बात करते हैं, जो बड़ी घास में रहते हैं, बड़ी घास में रहते हैं माय फ्रेंड, उसको कहेंगे सवाना स्पीसीज। और माय फ्रेंड ये ध्यान में रखना कि वो बड़े होते हैं आप फॉरेस्ट एलिफेंट से। अफ्रीकन एलिफेंट की दो स्पीसीज, सवाना और फॉरेस्ट, उन दोनों में बड़े कौन है, सवाना स्पीसीज वाले। और उनके जो टस्क होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, वो काऊ शेप में होते हैं माय फ्रेंड, ये भी ध्यान में रखना। फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट की ही स्पीसीज है, लेकिन वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते, कॉन्गो बेसिन में रहते हैं, ध्यान में रखना। आइवरी ट्रेड की वजह से उनकी पॉपुलेशन जबरदस्त तरीके से डिक्लाइन हो रही है। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है हम 12 अगस्त को मनाते हैं हर साल, हर साल, ये ध्यान में रखना। और ये दिन मनाने की शुरुआत 2012 से शुरू हुई थी। अब आप पूछोगे कि बोत्सवाना कहाँ है, सर बता दो बता दो। देखो बोत्सवाना में, अगर भूल गए हो तो रिवाइज करवा देता हूं, बोत्सवाना में 300 अफ्रीकन एलिफेंट मारे गए, अफ्रीकन एलिफेंट साइनोबैक्टीरिया से मारे गए। साइनोबैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिक नर्व एजेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, नर्व टॉक्सिन क्रिएट कर रहा है, ये ध्यान में रखना, जिससे कि अफ्रीकन एलिफेंट जो है उनके नर्व टिश्यूज जो है इंपेयर हो गए, डिसफंक्शनल हो गए, और 300 अफ्रीकन एलिफेंट साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गन की वजह से मारे गए, बोत्सवाना रीजन में मारे गए। कहां पर मारे गए सर, ओकावांगो डेल्टा, यहां पर है, यू कैन सी ओकावांगो डेल्टा माय फ्रेंड, यहां पर मारे गए। क्लाइमेट चेंज की वजह से साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन अलगे बढ़ रही है। बोत्सवाना इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, देखो जो भी मैं पढ़ाऊंगा एनवायरमेंट बता दूंगा, उसका साइंस में बता दूंगा, उसका जियोग्राफी में बता दूंगा, हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री भी मैं बता दूंगा, आसपास की जितनी भी चीजें हैं उन सबको मेल जोल कर जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। बोत्सवाना इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री माई फ्रेंड, ठीक है, और उसकी जो ईस्टर्न एज है वहां पर क्या है, कालाहारी बेसिन है, कालाहारी बेसिन, हियर यू कैन सी कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, और कालाहारी डेजर्ट जो है वो सेमी एरिड एरिया है, और बोत्सवाना के 70% सरफेस एरिया में वही है। और यहां पर बोत्सवाना जो है उसके कुछ इंडिजीनियस लोगों के बारे में जान लो, कुछ ट्राइब्स है जिनका नाम याद रखना है, सान पीपल या फिर उनको कहते हैं बुशमैन, स्वाना, फिर है हेरेरो, बहुत सारे ट्राइब्स है, ये ध्यान में रखना। और ये भी ध्यान में रखना, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा है ओकावांगो डेल्टा, जो कि बोत्सवाना में आया है माय फ्रेंड, ध्यान में रखना, ठीक है। ये टॉपिक इसके साथ कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। मेडिकेन, मेडिकेन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, मेडिकेन की फ्रीक्वेंसी माय फ्रेंड बढ़ रही है। देखो मैं आपको बता देता हूं, मेडिकेन वर्ड जो है वो दो वर्ड के संयोजन से, दो वर्ड के मिलन से बना है, एक है मेडिटेरियन, दूसरा है हरिकेन,
यस माय फ्रेंड, दो वर्ड्स है ठीक है, मेडिटेरियन और हरिकेन, ये ध्यान में रखना। साइंटिस्ट हैव वॉर्न्ड दैट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन मेडिटेरियन सी नोन एज मेडिकेन, यानी कि मेडिटेरियन हरिकेन, मेडिकेन मेडिटेरियन हरिकेन वो बढ़ रहे हैं। कहां पर? मेडिटेरियन ओशियन में क्या बढ़ रहा है? हरिकेन बढ़ रहा है। हरिकेन क्या होता है? एक तरह का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, सिंपल सी बात है ठीक है। बड़े बड़े नाम दे देते हैं ये लोग, मेडिकेन मेडिकेन, इन शॉर्ट मेडिटेरियन हरिकेन है। क्यों बढ़ रहे हैं मेडिटेरियन सी में हरिकेन? ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं, मनुष्य ने जो जलवायु परिवर्तन किया है उसकी वजह से। साइंटिस्ट का मानना है कि मेडिटेरियन सी में हरिकेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मेडिकेन्स आर ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल लाइक साइक्लोन जो कि मेडिटेरियन सी में, ये माय फ्रेंड मेडिटेरियन सी है, प्लीज फोकस कर लो भाई, ये मेडिटेरियन सी है, फोकस कर लो ठीक है। ये वहां पर बढ़ रहे हैं ठीक है। अब देखो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है, मेडिटेरियन सी में ड्राई क्लाइमेट है, जो पानी है वो भी शेलो है, बहुत डेप्थ वाला वाटर नहीं है वहां पर, पानी शेलो है प्लस क्लाइमेट ड्राई है ठीक है। आम तौर पर मेडिकेन जो है वो विंटर के मंथ में आता है, सर्दियों में आता है। अभी सितंबर 18 को 2020 में, यानी इसी महीने की मैं बात कर रहा हूं माय फ्रेंड, ग्रीस में आया था मेडिकेन जिसका नाम था लानोस। ग्रीस में मेडिटेरियन हरिकेन आया था माय फ्रेंड जिसका नाम था लानोस, ये ध्यान में रखना। ग्रीस ग्रीस जो है वो मेडिटेरियन के पास ही में है, दैट यू नो, दैट यू नो माई फ्रेंड ठीक है। चलो अब मैं आपको बता देता हूं, आप कह रहे हो कि भाई सर ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसा है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में और ये मेडिकेन में फर्क क्या है, कंपैरिजन तो करके दिखाओ। मैं कहता हूं ठीक है चलो वो भी करके दिखा लेते हैं। तो देखो रिलेटिवली कोल्डर एरिया जो होता है ना, ज्यादा सर्दी वाला एरिया जहां पर ज्यादा ठंडी हो, कोल्ड हो, वहां पर जो है वो जो होते हैं उसको कहेंगे मेडिकेन ठीक है। दिस अकर मोर इन रिलेटिवली कोल्डर वाटर्स देन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन गर्मी वाले एरिया में होता है माय फ्रेंड, इन हॉट एरिया में होता है, और मेडिकेन जो है वो कोल्ड एरिया में होता है। और मेडिकेन यानी कि मेडिटेरियन हरिकेन कोल्ड एरिया में होता है, इसी वजह से, ड्यू टू दैट रीजन, इसका जो कोर होगा ना वो भी कोल्ड होगा माय फ्रेंड। ट्रॉपिकल साइक्लोन का कोर जो होता है, उसका जो आई होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, वो गर्म होता है। ये मेडिकेन का जो कोर आई होगा वो ठंडा होगा कंपैरेटिवली, ये ध्यान में रखना। और मेडिकेन जो होते हैं वो डायामीटर में छोटे होते हैं, उनका विंड स्पीड भी कम होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का विंड स्पीड ज्यादा होता है, वो ड्राई डायामीटर में भी बहुत 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 बड़े होते हैं माय फ्रेंड, ये ध्यान में रखना ठीक है। और ये मेडिकेन आ रहे हैं उससे नुकसान क्या हो सकता है? नॉर्थ अफ्रीका में जो है बहुत बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन को कोज कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ अफ्रीका के लोग मेडिकेन से परेशान हो जाए और बहुत बड़ी मात्रा में जो है यूरोपियन कंट्री में भागने लगे ठीक है। यहां पर यू कैन सी, ये अफ्रीका है, मेडिटेरियन का किनारा यहां पर भी पड़ रहा है, यहां पर भी जो है मेडिकेन आ रहे, यानी मेडिटेरियन हरिकेन आ रहे। अब अफ्रीकन लोगों के पास कोई सहूलतें सुविधा फैसिलिटी नहीं है, यहां पर बार बार मेडिकेन आएगा तो अफ्रीका के लोग जो है यूरोप के देशों में भाग जाएंगे, और उससे जो है बहुत ज्यादा मिनन्स क्रिएट होगा यूरोपियन कंट्रीज में भी। अब साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड, साइंस की ओर आगे बढ़ते हैं ठीक है। अरे तनु जी, तनु जी, मेडिटेरियन सी में भूमध्य महासागर में जो हरिकेन आते हैं ना, मैं आपको सीधे सीधे लफ्जों में मैंने बता दिया है लेकिन फिर बता देता हूं। मेडिटेरियन सी में
जो हरिकेन आते हैं उसको मेडिकेन कहते हैं। यहां से कैन ले लिया, यहां से कैन ले लिया, यहां से मेडी ले लिया, छोड़ दिया, मेडिकेन कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। शिवाजी दास जी, सब्सक्रिप्शन लिए बिना आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, कल 4 से 5 बजे तक एग्जाम है, 4 PM to 5 PM एग्जाम है, बिना सब्सक्रिप्शन के भी एग्जाम दे सकते हो शिवाजी दास जी। ओके चलो, अब इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की बात करेंगे, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी की बात करेंगे। ठीक है, रेडी। देखो, इंडिया के थेनी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु में है, और बोडी जो जगह है, बोडी एक जगह है थेनी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु स्टेट में, वहां पर भारत जो है वो INO एस्टैब्लिश करने वाला है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश होगी, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश होगी। कहां पर? बोडी में, थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ये जो होगा INO, वो वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी होगा, वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लेबोरेटरी होगा, जिसका मेन यूज है हाई एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च करना। समझ लो, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बोडी थेनी तमिलनाडु में अंडरग्राउंड वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी होगा, और हाई एनर्जी एवं न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च करना भारत में उसका काम होगा। अब यह भी मैं बता देता हूं कि ये जो पूरा प्रोग्राम है INO का, उसमें 50 से ज्यादा साइंटिस्ट होंगे, 15 से ज्यादा इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी शामिल होगी, 50 से ज्यादा साइंटिस्ट और 15 से ज्यादा इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी शामिल होगी। इसका फंडिंग जो है, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का फंडिंग जो है, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका फंडिंग करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या काम करना है इसको? ये INO लेबोरेटरी जो है वो न्यूट्रिनोस को और एंटी न्यूट्रिनोस जो प्रोड्यूस हो गए अर्थ के एटमोस्फियर में, उनको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। अब आप पूछ सकते हो कि भाई न्यूट्रिनो है क्या? डोंट वरी, मैं बता दूंगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई डाउट मैं छोड़ के गया हूं। ठीक है, फिर बता देता हूं ठीक तरीके से। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बोडी एरिया में, थेनी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, और अंडरग्राउंड वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी होगा जो न्यूक्लियर फिजिक्स के मामले में रिसर्च करेगा। इसका फंडिंग जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करने का काम करेगा। अब आपका जो क्वेश्चन है वो जायज है, मैं बता दूंगा, सो डोंट वरी। ओवर द ईयर्स दिस अंडरग्राउंड फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू फुल फ्लेज अंडरग्राउंड साइंस लेबोरेटरी माय फ्रेंड, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी का रिसर्च होगा। बहुत सालों बाद इन सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर रिसर्च होगा, ये ध्यान में रखना। ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन कैलोरीमीटर जो है वो होगा, ICAL का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैग्नेटाइज्ड आयरन कैलोरीमीटर का, जिससे हम न्यूट्रिनो को स्टडी कर पाएंगे, ये ध्यान में रखना। बाद में एक बार ICAL का कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर यहां पर पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मैग्नेट होगा, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मैग्नेट होगा। साथ ही में इंटर इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स मदुराई में एस्टैब्लिश होगा। अब जो है इसका एडवांटेज क्या है ये मैं बताऊं आपको, उससे पहले न्यूट्रिनो क्या है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो, न्यूट्रिनो क्या है ये मैं पहले बता दूंगा, फिर लेबोरेटरी का एडवांटेज क्या है ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो, न्यूट्रिनो का फर्स्ट टाइम इन्वेंशन 1959 में हुआ था, फर्स्ट टाइम इन्वेंशन 1959 में हुआ था,
सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है, सबसे ज्यादा अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई पार्टिकल आपको मिलेगा तो वो है फोटोन। सबसे ज्यादा ब्रह्मांड में कोई पार्टिकल अगर आपको मिलेगा तो वो है फोटोन। फोटोन के बाद सबसे ज्यादा पार्टिकल अगर कोई मिलेगा तो वो है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को माना जाता था कि उसका मास नहीं होता। यस माय फ्रेंड, यू हैव हर्ड राइट, मासलेस पार्टिकल इसको कहते थे पहले, यानी इसका दल नहीं होता, कोई दल इसका नहीं होता, मासलेस पार्टिकल होगा ये। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा सेकंड नंबर का पार्टिकल ये है, ये एक सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये ध्यान में रखना। ये भी ध्यान में रखना कि न्यूट्रिनोस किस तरीके से बनते हैं, तो रेडियो एक्टिव डीके से बनते हैं। जब सुपरनोवा ब्लास्ट होता है तब जो है वो न्यूट्रिनोस आम तौर पर बनते हैं, ये ध्यान में रखना। लेकिन हाल ही में पता चला है कि न्यूट्रिनो जो होता है उनका मास होता है बहुत कम होता है, इतना कम मास होता है न्यूट्रिनो का, इतना कम मास होता है कि हम उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। इसीलिए डिटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल काइंड ऑफ लेबोरेटरी चाहिए, और इसीलिए हम INO एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश कर रहे हैं माय फ्रेंड, ध्यान में रखना। इतना कम मास होता है न्यूट्रिनो का कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए INO को एस्टैब्लिश करें। और अंडरग्राउंड माय फ्रेंड इसको हम एस्टैब्लिश करेंगे। अंडरग्राउंड क्यों? ताकि बाहर का जो भी डिस्टरबेंस है, देखो बहुत ही कम मास है इसका, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस होगा तो इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता न्यूट्रिनो को, इसीलिए अंडरग्राउंड हम जो है इसको एस्टैब्लिश करेंगे INO को, ताकि रिलेटिवली फ्री फ्रॉम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस रह सके। ओके, ठीक है, ध्यान में देना। अब मैं आपको बता देता हूं कि INO जो है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, उसका एडवांटेज क्या होगा। एडवांटेज तो होना चाहिए ना, तो मैं आपको बता दूं न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें ज्यादा पता चलेगा, ये भी ध्यान में रखना। दिस ऑब्जर्वेशन विल टेल अस मोर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल हुज मेन सोर्स इज द सन। न्यूट्रिनो पार्टिकल का मेन सोर्स सन है तो उसके बारे में भी पता चलेगा। आपने शायद सुना होगा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जिसमें आमतौर पर तीन फोर्सेस का जिक्र किया जाता है, थ्री फोर्स हैज बीन मेंशन्ड इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। एक फोर्स है वीक फोर्स, एक फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स, और तीसरा वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चौथा फोर्स होता है ग्रेविटी। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में ग्रेविटी का मेंशन नहीं किया गया, ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये ध्यान में रखना। स्टैंडर्ड मॉडल में सब कुछ दिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में एक और चीज है माय फ्रेंड, न्यूट्रिनो, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, इसीलिए INO का एस्टैब्लिशमेंट करना है, ध्यान में रखना। फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग एटसेट्रा में सब जगह पर हमें ये हेल्प मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हो सर इतना ज्यादा फायदा है तो बना क्यों नहीं लेते INO, मैं कहूंगा लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है माय फ्रेंड, कुछ जो है इश्यूज यहां पर इन्वॉल्व है, सम इश्यूज आर इन्वॉल्व हियर, क्योंकि INO का जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का जो प्रोजेक्ट था उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया है, ये कहकर चैलेंज किया है कि वो वेस्टर्न घाट की इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन बाद में NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दिया है, लेकिन पोटीपुरम पंचायत के जो गांव वाले हैं उनको ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं है। उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन का नाम है पुलागिन नान बारगाल फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, और वो इसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए INO बनने में थोड़ा सा देर लग रहा है। ठीक है, लेकिन बन जरूर जाएगा। चलिए, ओ स्मार्ट स्कीम आपके जैसा स्मार्ट स्कीम है। क्या क्वेश्चन है राजनंदिनी,
क्या क्वेश्चन है आपका राजनंदिनी, तेरा ध्यान नहीं होता है ना, मैं पढ़ा रहा हूं। आईसीएल का मीनिंग क्या है? ठीक है समझ गए। अच्छा नाराज हो जाते हो यार आप, तो बच्चों की तरह बच्चे हो, आपको यूपीएससी क्लियर करना होता है। गूगल में सर्च कर सकते हो कि आईसीएल का मीनिंग क्या है भाई, ये देखो बता रहा हूं। चलो आईसीएल जो है उसका फुल फॉर्म है आयरन, देखो सुन लो समझ लो सब के सब, ठीक है। मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूंगा फिर जो है चैट बॉक्स में देखूंगा, एक कंप्लीट टॉपिक करूंगा फिर ही मैं चैट बॉक्स में देखूंगा। टॉपिक चालू होगा तब मैं चैट बॉक्स में नहीं देखता, इसका मतलब यह है कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन पूछो, ओके। अभी टॉपिक ये कंप्लीट नहीं हुआ था तो ठीक है। आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर, ये फुल फॉर्म है आईसीएएल का, ठीक है माय फ्रेंड। आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर ये फुल फॉर्म है, और जब ये आईसीएल बन जाएगा तब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेट होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैग्नेट होगा, ठीक है। आईसीएल का फुल फॉर्म है आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर, जब ये बन जाएगा तब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैग्नेट होगा। इसका इस्तेमाल करके हम न्यूट्रिनो पर रिसर्च करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिनो पर रिसर्च करेंगे इसका इस्तेमाल करके, ठीक है माय फ्रेंड। चलो नेक्स्ट टॉपिक, ओ स्मार्ट स्कीम, ओ स्मार्ट स्कीम, द ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, फोकस करना, बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम हो जाएगा माय फ्रेंड। ओ फॉर ओशियन, स्मार्ट में एस का मतलब है सर्विसेज, एम का मतलब है मॉडलिंग, ए का मतलब है एप्लीकेशन, आर का मतलब है रिसोर्सेस, एंड टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। किसने किसने ये स्कीम अप्रूव की है? यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया है माय फ्रेंड। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको इंप्लीमेंट करता है माय फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस स्कीम को, ओ स्मार्ट स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है माय फ्रेंड? ओशियन रिसर्च को बढ़ावा देना, इंप्रूव करना, और अर्ली वार्निंग जो वेदर सिस्टम है उसका डेवलपमेंट करना, अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम का डेवलपमेंट करना, ओ स्मार्ट स्कीम का लक्ष्य है, ये ध्यान में रखना माय फ्रेंड। ओ स्मार्ट स्कीम का लक्ष्य है अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम, अगर समुन्द्र में कोई तूफान आने वाला है तो हमको पहले पता होना चाहिए, ओशियन रिसर्च करना है, ये ओ स्मार्ट स्कीम का मेन लक्ष्य है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंप्लीमेंट करेगा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, और सी वाटर पॉल्यूटेंट्स जो है उसका भी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो, ये काम है, सी वाटर का कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो, ये काम है। कोमोडो ड्रैगन माय फ्रेंड, देखो आप पिक में देख सकते हो, कोमोडो ड्रैगन कितना क्यूट है, बेहद ही ज्यादा क्यूट है कोमोडो ड्रैगन, ठीक है, यू कैन सी इन द पिक। अब ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था माय फ्रेंड, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी किया था, और ये स्टडी था कोमोडो ड्रैगन के बारे में, और स्टडी का जो रिजल्ट आया वो है कि कुछ ही डिकेड्स में कोमोडो ड्रैगन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, कुछ ही डिकेड में कोमोडो ड्रैगन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये रिजल्ट आया ऑस्ट्रेलियन स्टडी का। अब हमको सब पता होना चाहिए कोमोडो ड्रैगन के बारे में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो कोमोडो ड्रैगन जो है उसका साइंटिफिक नेम यहां पर लिखा है, ये लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट लिजार्ड है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सबसे भारी छिपकली है ये, विच यू कैन सी इन योर पिक,
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सबसे भारी छिपकली है, ध्यान रखना माय फ्रेंड, ठीक है। और ये कुछ भी खा सकता है, तुमको और मुझे भी खा सकता है। इनवर्टेबेट्स, बर्ड्स, मैमल्स लाइक डियर, पिग, इवन लार्ज वाटर बफेलो को भी खा सकता है। ये ध्यान में रखना कि ये जो कोमोडो ड्रैगन है माय फ्रेंड, इसके पास वेनम ग्लैंड्स होती है, यानी जहर पैदा करने वाली ग्रंथियां होती है, जहर को पैदा करने वाली ग्रंथियां होती है, वेनम ग्लैंड्स होती है, जो कि एंटीकोगुलेंट्स बनाती है, एंटीकोगुलेंट्स बनाती है माय फ्रेंड। देखो जब ये कोमोडो ड्रैगन आपके ऊपर अटैक करेगा, मान लो कि मैं इंडोनेशिया में हूं, आई एम गोइंग थ्रू द इंडोनेशिया, घूमने गया हूं, कोमोडो ड्रैगन ने अमित सर के ऊपर अटैक कर दिया, ये मुझे जो है काटेगी, काटेगी तो मेरा खून बहेगा, खून में एंटीकोगुलेंट्स मिल जाएंगे, एक तरह का टॉक्सिक वेनम मिल जाएगा मेरे खून में, फिर मेरा खून जम नहीं पाएगा, इससे ज्यादा से ज्यादा खून मेरे बॉडी से बहता रहेगा और मैं जल्दी ही मर जाऊंगा, और बाद में आराम से जो है कोमोडो ड्रैगन मुझे खा पाएगा, बड़ा क्यूट सा जो ये एनिमल है वो बाद में मुझे खा पाएगा। द वेनम लोअर्स द ब्लड प्रेशर, कॉज मैसिव ब्लीडिंग, ज्यादा से ज्यादा रक्त जो है वो बह जाएगा, शॉक इंड्यूस करता है ये, क्लोटिंग जो है ब्लड का नहीं हो पाएगा इस वेनम की वजह से, ये ध्यान में रखना। ये कहां रहता है भाई, इसका हैबिटेट कहां है सर हमको बता दो प्लीज, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कोमोडो ड्रैगन्स हैव थ्राइव्ड इन द हार्श क्लाइमेट ऑफ इंडोनेशिया लेसर सुंडा आइलैंड, माय फ्रेंड इंडोनेशिया में ये रहता है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये रहना पसंद करता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये रहना पसंद करता है। इसके लिए एक कोमोडो नेशनल पार्क है माय फ्रेंड, इंडोनेशिया के अंदर कोमोडो नेशनल पार्क है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन अभी जो ये कोमोडो है लिजर्ड, कोमोडो लिजर्ड है, कोमोडो ड्रैगन जिसको हम कहेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली है, ये अभी एक्सटिंक्ट होने की कगार पर खड़ा है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, क्यों, हम लोगों की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, इसका पॉपुलेशन बहुत छोटा है, दूसरा रीजन, ये हायर इनब्रीडिंग फैक्टर्स की वजह से भी हो रहा है, बहुत ही रिलेटिव में जो होने वाले कोमोडो ड्रैगन से वही रिप्रोड्यूस कर रहे, नजदीकी फैमिली मेंबर्स जो है रिप्रोड्यूस कर रहे, इसकी वजह से भी, और इसका प्रे शिकार जो है वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है, इसकी वजह से भी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो है इसका पॉपुलेशन और कमजोर कर रहा है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वल्नरेबल साइट्स की लिस्ट में ये जो है अपेंडिक्स वन में है माय फ्रेंड, और ये ध्यान में रखना इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने 2019 में इसको रिलोकेट करने का प्रोग्राम भी बनाया था, यहां से PDF मिल जाएगा, कल 4 बजे से लेकर 5 बजे इसका टेस्ट होगा, ऐप पर टेस्ट होगा, ऐप पर स्पेशल क्लास में टेस्ट होगा ऐप पर, ठीक है, कोई भी फ्री टेस्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना, मेरे प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर लेना, इसका रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, यहां पर भी मैं लिंक दे दूंगा, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। चलो टाटा बाय बाय, सायोनारा, बोन वयाज। क्या काम है विशाल जी आपको, क्या एडमिशन सजेस्ट करूं मैं, विशाल जी,
आई एम नॉट एबल टू गेट यू। आप जो है विशाल जी यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट जो है मुझे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं और मैं वहां पर क्लियर कर दूंगा। आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पर। जो भी लोग हैं अगर मेरे साथ डिस्कस करना चाहे तो इस टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच।